सब उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं बना रही हूँ खड़े मसाले का कीमा, जिसकी रेसिपी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है और ये ज़्यादातर पिकनिक्स वगैरह पर भी बनाया जाता है और नॉर्मल शादियों में भी, जो छोटी मोटी तकरीबात होती हैं जैसे इंगेजमेंट निकाह वगैरह की, उसमें भी रखा जाता है। तो मैं आप लोगों को बिल्कुल उसी स्टाइल से बताऊँगी और बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे आपने बाज़ार से बनवाया है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने लिया है ऑयल, क्योंकि मैं 2 किलो कीमा जो है वो मेरे पास मौजूद है, 2 kg, तो मैं उसके लिए बना रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे 1/2 किलो के करीब ऑयल लिया है और उसके अंदर मैंने उतनी ही प्याज, यानी कि 1/2 किलो प्याज क्या कहते हैं तो तुली हुई, और वो उसको काट लिया है। काट के बारीक काट के उसको गोल्डन ब्राउन करेंगे। उसके अंदर हम सारा खड़ा मसाला डालेंगे, यानी कि गरम मसाला साबित डालेंगे सारा। उसके अंदर तेज़पत्ता साबित, हरी इलायची, लौंगे, दालचीनी, और आपको मिलेगी काली मिर्चें और 2 बादियान के फूल। इसके साथ साथ मैं साबित कटा हुआ लहसुन 1 पोटी जो मैंने काट के रख लिया है छील के, तो वो मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। ये देखिए वो मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। और इसके बाद हम इसको खूब अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे ताकि हमारे लहसुन जो हैं वो भी शैलो फ्राई हो जाएँ और गर्म मसाला जो है वो भी फ्राई हो जाए। ये फ्राई करने के बाद इसको तकरीबन मैंने 5 मिनट तक फ्राई करा है। अब मैं इसके अंदर कीमा ऐड कर रही हूँ। कीमा जो है वो हमारा बहुत ज़्यादा बारीक नहीं है, हाथ का मोटा कुटा हुआ कीमा है, जो छोटी छोटी बोटियों के स्टाइल में भी नज़र आएगा आप लोगों को। काफ़ी मोटा कुटा हुआ कीमा है, बारीक कीमा मैंने बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया है। ठीक है, अगर आप लोग बारीक कीमा पसंद करते हैं तो आपकी मर्ज़ी है, वो डाल लीजिए, लेकिन यहाँ इसमें मोटा कुटा हुआ कीमा ही अच्छा लगता है। इसको खूब अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे, कीमे को भूनेंगे इसके अंदर। ये देखिए खूब ऊपर नीचे करके खूब अच्छी तरीके से मैं कीमे को जो है वो भून रही हूँ। इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी टमाटर। टमाटर जो है वो हमारे 3 पाव के करीब हैं, 1/2 किलो से ज़्यादा हैं टमाटर। और इसके अंदर पिसी हुई मिर्चें डालूंगी मैं 5 टेबलस्पून, और क्योंकि आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। जैसे कि आप लोगों को पता है मेरी चक्की की पिसी हुई मिर्चें होती हैं तो वो काफ़ी स्ट्रांग होती हैं। और इसके साथ हल्दी जो है, जितनी हम मिर्च डालेंगे उसकी 1/2 क्वांटिटी में हल्दी जाएगी, यानी कि मैंने 5 चमचे मिर्चें डाली हैं तो 2.5 चमचे जो है वो हल्दी के जाएंगे। इसको हम खूब अच्छे से मिक्स करेंगे अपने कीमे को, और जब सारा मसाला एक जान हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा, उस तो हम इसके अंदर नमक ऐड करेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं, जितना आप लोगों को खाना हो ज़्यादा या कम। मैं यहाँ पे कीमे के हिसाब से ऐड कर रही हूँ, 2 टेबलस्पून मैंने भर भर के इसके अंदर डाले हैं। ठीक है, अब इसको खूब अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे ताकि सारा मसाला एक जान हो जाए, सब एक दूसरे के अंदर मिल जाए, ऐसा ना हो कि नमक कहीं है और मिर्चें कहीं हैं। अब मैं इसको ढक के रख दूँगी। टमाटरों के पानी के अंदर कीमे का जो अपना पानी निकलेगा उसी में कीमा गलेगा और बहुत अच्छी तरीके से गलेगा। मीडियम टू लो आंच पर आपको इसको पकाना है। ये देखिए हमारा कीमा बहुत अच्छी तरीके से गल चुका है, तकरीबन इसको 1/2 घंटा लगा था गलने में। इसके अंदर मैंने डाला है 1/2 पाव दही। ये सिर्फ ऑप्शनल है, अगर आप लोग डालना चाहें तो डालें, नहीं डालना चाहें तो कोई मर्ज़ी नहीं है। वैसे तो टमाटर इसके अंदर जाते हैं, क्योंकि इसके बाद मैं इसके अंदर हरी मिर्चें चॉप की हुई और अदरक चॉप की हुई वो डाल दूँगी। ये देखिए अदरक मैंने थोड़ी सी रोक ली है, 1.5 इंच 2 इंच का पीस था ये अदरक का, जो मैंने इसको बारीक काट लिया था। और हरी मिर्चें जो है वो 15 से 20 हरी मिर्चें मैंने लेके उनको काट लिया था। जिस तरीके से आप लोगों को स्पाइसी पसंद है, अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो आप यहाँ पर मिर्चें की क्वांटिटी और बढ़ा दीजिए। वैसे तो ये बहुत अच्छा और मज़ेदार स्पाइसी ही कीमा बना था, तो बहुत मज़ेदार बना था। ये देखिए इसकी हम करेंगे खूब अच्छे से भुनाई और फिर उसके बाद हम इसको डिश आउट कर दीजिए कर लेंगे। ये हमारा कीमा हो गया है रेडी, ये मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ। अगर आप लोगों को रेसिपी पसंद आती है तो लाइक किया करें, शेयर किया करें और कमेंट ज़रूर किया करें। और अब तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि बेल नोटिफिकेशन से आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी, जिससे आप लोगों के लिए आसानी होगी। इसके बाद मैंने डिश आउट करने के बाद अपनी डिश को गार्निश किया है हरा धनिया, अदरक और हरी मिर्चों से। ये देखिए डिश आउट हो गया है हमारा कीमा, कितना ज़बरदस्त लग रहा है।
अब इसके अंदर मैं डालूंगी अदरक गार्निश की हुई, कटी हुई, चॉप की हुई जो मैंने अदरक डाली थी, थोड़ी बचा ली थी। इस वक्त पे मैं वो अदरक डालूंगी इसके अंदर, ये देखिए, ठीक है। इसके साथ थोड़ी सी हरी मिर्ची और हरा धनिया भरपूर। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।